में कौन कौन से एंजाइम हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पर समझते हैं कि जो ये प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन के द्वारा होने वाला प्रोसेस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज एंजाइम मेडिएटेड एंड ऑल्सो कैटलाइज्ड बाय प्रोटीन। ये एक एंजाइम मेडिएटेड और प्रोटीन के द्वारा होने वाला प्रोसेस है। और इसमें अगर जो हम एक डीएनए यहाँ पर बनाते हैं, देखिए जैसे ये डीएनए है इसमें ये हो गया थ्री एंड फाइव एंड और ये थ्री एंड, ठीक है। तो इसमें वो साइट जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, मान लो यहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो ये साइट जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा ये कहलाएगा ओ आर आई। ORI की फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये डीएनए के अंदर की वो साइट है या वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और प्रोकैरियोट्स में ये एक होता है, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें एक ही ORI होगा, जबकि अगर जो यूकैरियोट्स की बात करोगे तो इसमें कई सारे ORI होते हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिखे हैं सबसे पहले तो कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक एंजाइम के द्वारा और कुछ प्रोटीन के द्वारा होने वाला प्रोसेस है। फिर ये डायग्राम बनाएं, ORI लिखें और इसके बारे में हम एक पॉइंट आपको लिखवाते हैं। चलिए लिखिए, In each DNA, there is a specific site. In each DNA, there is a specific site. In each DNA, there is a specific site which is called ORI और इसके ब्रैकेट में लिख लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ब्रैकेट क्लोज करके इसके आगे लिखिए from where the process of replication start। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक डीएनए has only one ORI while eukaryotes and eukaryotic DNA
while eukaryotes or eukaryotic DNA has many ORI. इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या स्टेप होंगे। तो देखिए हम बात करते हैं स्टेप्स की। अच्छा, स्टेप को समझने से पहले एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे ये एक हमने डीएनए स्ट्रैंड बनाया, ये हमने डीएनए बनाया, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो आपको एक चीज पता है, एक ये वाला स्ट्रैंड हो गया 3 to 5 वाला, एक 5 to 3 स्ट्रैंड हो गया ये। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो मैं क्या करता हूँ, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देता हूँ। एक ये स्ट्रैंड अलग हो गया और एक ये स्ट्रैंड अलग हो गया। अब दोनों के सामने एक नया नया स्ट्रैंड बनेगा, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। दोनों के सामने एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। जो जिन स्ट्रैंड के सामने एक न्यू स्ट्रैंड बने, उस स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, तो दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसको भी क्या बोलेंगे हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टर्म आपके पास आएगी टेम्पलेट करके, तो आपको पता होना चाहिए टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है वो स्ट्रैंड जिससे एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो, उसे बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आप नोट करके एक जगह टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख लें, लिख लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में। इट इज द स्ट्रैंड over which it is the strand over which a new complementary strand is formed, a new complementary strand is formed। ये बात क्लियर हो गई, नया स्ट्रैंड बनेगा और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जैसे पुराना वाला स्ट्रैंड ये है, इसके सामने जो इस पे जो सीक्वेंस है वो ये है, ए टी सी जी, ये है, ये टेम्पलेट हो गया। इसके सामने एक नया स्ट्रैंड आएगा, मान लो ये स्ट्रैंड बन गया, इस पे सीक्वेंस क्या रहेगा, टी ए जी सी। तो ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, एक के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने जी, जी के सामने सी और ए के सामने टी। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों ही स्ट्रैंड जिसकी ओरिएंटेशन 3 to 5 है और जिसकी 5 to 3 है, वो दोनों के दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और अपने सामने एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि उनका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिसकी वजह से एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल हमारे सामने बन जाते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई, चलिए अब हम इसके स्टेप समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। क्योंकि ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होने वाला प्रोसेस है, तो ये किस तरह से चलेगा देखिए। सबसे पहले हम एक डीएनए बनाते हैं जिसमें रेप्लिकेशन शुरू होगा। थ्री टू फाइव, फाइव टू थ्री। अब इसमें जैसे ये है ओ आर आई, यहां पर ये हो गया ओ आर आई। अब इस ओ आर आई पे क्या होगा, इस पर एक्ट करेगा कौन,
एक्ट, सबसे पहला एंजाइम हेलिकेज, हेलिकेज एक्ट करेगा। हेलिकेज क्या करेगा, इसको अनबाइंड करेगा, और इसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में, जो बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखे जा रहे हैं, उनको ये ब्रेक कर देगा। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। तो ये डीएनए कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, अब ओपन होके ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। इसके एक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। पूरा कंप्लीट डीएनए कभी ओपन नहीं होता रेप्लिकेशन में, थोड़ा थोड़ा पार्ट ओपन होगा और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड एंड, फाइव एंड, फाइव एंड ये थर्ड एंड। तो यहां से ये ओपन हो गया, इसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए, और यहां पर एक्ट कर रहा है ये एंजाइम जिसे हम नंबर वन मार्क कर देते हैं। नंबर वन का मतलब ये है कौन सा, ये है आपका हेलिकेज। हेलिकेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए, और ब्रेक होने की वजह से एक इन्वर्टेड वाई, या बोलेंगे एक वाई शेप स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, जिसे हमने बोला है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बन गया ये, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी आप समझिएगा फिर बनाइएगा। अब देखिए एक बात और यहाँ पर, कि जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना है ये दोबारा से भी तो कॉइल हो सकते हैं। ये जो दो स्ट्रैंड है, एक ये वाला और ये, जहां से इतना पोर्शन का ओपन हो गया, तो ये दोबारा से भी कॉइल हो सकते हैं। तो इनको दोबारा से ये कॉइल ना हो, इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इसको रोकने के लिए इनके ऊपर ये प्रोटीन, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ये प्रोटीन आकर बाइंड कर जाते हैं। और ये प्रोटीन क्या करेंगे, इनके दोनों स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी देंगे, ताकि ये दोबारा से कॉइल ना हो जाए। और इन्हें बोलते हैं एस एस बी प्रोटीन, एस एस बी प्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इनको दोबारा से कॉइल होने से रोकते हैं दोनों स्ट्रैंड को। भाई हम तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कर रहे हैं, हमें रेप्लिकेशन करना है, रेप्लिकेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड को ओपन होना होगा। अब हेलिकेज ने जाके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए, इसको ओपन कर दिया, लेकिन दोबारा से बॉन्ड बन सकते हैं, दोबारा से वो कॉइल हो सकते हैं। तो उनको स्टेबल रखने के लिए, कि वो ओपन ही रहे, उसका काम करता है एस एस बी प्रोटीन। और इसके अलावा देखो, जब हम दो रस्सियों को आपस में कॉइल करके रखते हैं और आप उसको फिर अनकॉइल करोगे, तो वो दोबारा से क्योंकि कॉइल हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करा जाए, उसके लिए एक और एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, सेकेंड एंजाइम, जिसे बोलेंगे हम लोग सेकेंड वन, वो है आपका टोपो आइसोमरेज। अभी आप लोग नोट मत करिएगा, अभी समझिए, टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। हाँ जी, देखिए टोपो आइसोमरेज यहां पर जाके बाइंड करेगा, ये बाइंड हो गया टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज यहां बाइंड करेगा। और ये करता क्या है, ये ना टोपो आइसोमरेज इस डीएनए को यहां से कट करेगा, यहां से ये स्ट्रैंड कट करेगा, इतना हिस्सा कट करेगा, कट करके इसको पूरी तरह से अनकॉइल करके दोबारा से जोड़ देगा, ताकि ये फिर से कॉइलिंग इनकी ना हो सके। तो इन सब के एक्शन के बाद, एक तो हेलिकेज ने यहाँ पे काम करा, दूसरा यहाँ पे एस एस बी प्रोटीन ने काम करा, तीसरा यहाँ पे टोपो आइसोमरेज ने काम करा, इन तीनों के एक्शन के बाद रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन हो जाती है। और टोपो आइसोमरेज को बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसी को बोलते हैं डीएनए गायरेज।
इतने पॉइंट जो मैंने आपको समझाए हैं अभी, दो प्रोटीन के, दो एंजाइम के बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप स्टेप हेडिंग दीजिएगा, सबसे ऊपर वाला डायग्राम बनाना जिसके अंदर ORI रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसके बाद रेप्लिकेशन फॉर्क बना लीजिए। रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के बाद हम हेलिकेस, SSB और टोपो आइसोमरेज के बारे में लिखेंगे। जैसे ही आप नोट कर लें बता दीजिएगा। ओके, चलिए लिखिए। हेलिकेज, हेलिकेज रिकॉग्नाइज द ORI, हेलिकेज रिकॉग्नाइज द ORI एंड हेलिकेज रिकॉग्नाइज द ORI एंड it breaks the hydrogen bond, it break the hydrogen bond it break the hydrogen bond between the two strand of DNA, between the two strand of DNA double helix, to open the DNA helix, to open the DNA helix and form, to open the DNA helix and form Y-shaped structure, Y-shaped structure called replication fork, replication fork। आप लोग NCERT में जब इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ऐसे भी दिखाई दे सकता है आपको ये। ठीक है, तो यह रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एन प्रोटीन कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एन प्रोटीन कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ब्रैकेट में लिख लो SSB प्रोटीन, SSB प्रोटीन अटैचेस टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इट, सो दैट दे मे नॉट गेट
so that they may not get paired up again ताकि दोबारा से ये पेयर्ड ना हो जाए. ठीक है, दोनों के फंक्शन समझ में आ गए आपको, हेलिकेज भी समझ में आ गया, एस एस बी भी समझ में आ गया. नेक्स्ट लिखिए, अनदर एंजाइम टोपो आइसोमरेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड DNA gyrase in prokaryotes. Remove the coiling tension in the DNA strand by NIC का मतलब होता है कट, तो निक के ब्रैकेट में लो कट, by NIC comma open the tension and reseal the strand. देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक होता है ना रिसीवर वाला फोन जो होता है उसमें एक वायर लगा होता है, लॉन्ग वायर होता है काफी, तो कई बार क्या होता है वो वायर आपस में बहुत ज्यादा उलझ जाता है, आपस में ही कॉइल हो जाता है. तो अगर हमें उस वायर की कॉइलिंग को निकालना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करें, तो हम रिसीवर उठाएं और उस रिसीवर का जो कनेक्शन है हमारे फोन में, उस कनेक्शन पॉइंट को, उस वायर को वहां से निकाल दें. निकालने के बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद जब देखेंगे तो वो एक एंड से फ्री हो जाएगा वायर. जब वायर एक एंड से फ्री हो जाएगा तो उसके अंदर की जो कॉइलिंग है, जो उसमें टेंशन बन गया है, वो रिमूव हो जाएगा और फिर दोबारा से आप उसको उसमें लगा देंगे. तो सेम काम यहाँ पर टोपो आइसोमरेज कर रहा है. कॉइलिंग होने की वजह से डीएनए स्ट्रैंड के अंदर, कॉइलिंग होने की वजह से, हेलिकल फॉर्म होने की वजह से ये इनके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से आप इसमें बहुत टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं. तो अब आपने क्या करा, हेलिकल एंजाइम डाला इसको, फिर से उसने क्या करा, कॉइलिंग को रिमूव किया, लेकिन इसके अंदर टेंशन है तो दोबारा से कॉइल हो जाएगा ये. तो उसको रिमूव करने के लिए टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को, डीएनए के स्ट्रैंड को वहां से कट करेगा, कट करके उसके अंदर की फोर्स को रिमूव कर देगा और दोबारा से उसको जोड़ देगा ताकि फिर ये स्ट्रैंड आपस में कॉइल ना हो और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो इजीली हो सके. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट, ये तीनों के बारे में हमने समझ लिया, हेलिकेज, एसएसबी और टोपो आइसोमेरेज, और रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है ये भी हमने क्लियर कर दिया. अब देखो रेप्लिकेशन फॉर्क तो बन चुका है, अब रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद आगे का स्टेप क्या होगा वो हम देखते हैं. अब देखिए ये बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क, अब यहां पर एक और एंजाइम काम करेगा रेप्लिकेशन फॉर्क के बाद जो कि है आपका अब देखिए अब जो इसका थर्ड स्ट्रैंड है ये वाला, थर्ड से जो फिफ्थ स्ट्रैंड है यहां पर बना है रेप्लिकेशन फॉर्क, ये ओपन हो चुका है इससे. अब यहां पर एक एंजाइम आके काम करेगा और वो एंजाइम है आपका डीआरएनए प्राइमेज. तो यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, ये एंजाइम नंबर थर्ड, आरएनए प्राइमेज.
जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आरएनए प्राइमेज। ये यहाँ पे काम करेगा, ये क्या करेगा, जो आरएनए प्राइमेज है, ये आरएनए प्राइमेज एक स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है यहाँ पे थर्ड एंड पे। ये आरएनए प्राइमेज हमेशा थर्ड एंड पे काम करेगा, थर्ड एंड पे जाके अटैच होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर एक आरएनए बनाएगा, और उस आरएनए को बोलेंगे हम लोग, इसका ओरिएंटेशन होगा 5-2-3, और इसका नाम है आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम डीएनए के जो थर्ड एंड फ्री है वहां पर जाके अटैच होगा, कि यहां पर आके अटैच हुआ, इसने अटैच होकर एक स्मॉल आरएनए के सेगमेंट की फॉर्मेशन कर दी। इसने क्या बना दिया, स्मॉल आरएनए का सेगमेंट बना दिया, और उस आरएनए सेगमेंट का नाम है आरएनए प्राइमर, और इसकी अपनी ओरिएंटेशन क्या है, 5-2-3 है। तो आरएनए प्राइमर बन गया, और आरएनए प्राइमर एक आरएनए का स्मॉल सेगमेंट है, छोटा सा सेगमेंट है, जिसके अंदर लगभग 8-14 न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर हो गई इतनी बात, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन हो गई। जो एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाएगा उसको बोलेंगे आरएनए प्राइमेज, या फिर उसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि डीएनए के ऊपर बना रहा है और आरएनए बना रहा है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये समझ में आ गया आपको। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा, और कहां बनाएगा, थर्ड एंड पर बनाएगा, डीएनए के थर्ड एंड पर बनाएगा। अब देखो इस वाले स्ट्रैंड पर तो यहां बन जाएगा, ये फ्री है, लेकिन सामने वाला स्ट्रैंड देखे तो इसका तो पांचवा एंड फ्री है, इसका तीसरा एंड तो फ्री है ही नहीं। लेकिन अब ध्यान से ये पॉइंट समझिएगा, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर। अगर आप इस डीएनए स्ट्रैंड को इतना देखोगे, इतना यहां से ये देखोगे आप, अगर आप इतना डीएनए स्ट्रैंड देखोगे तो इतने में ये वाला स्ट्रैंड 5 हो गया, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। तो एक आरएनए प्राइमर तो यहां पर काम करेगा, और एक आरएनए प्राइमर कहां बन जाएगा, एक आरएनए प्राइमर बन जाएगा इस डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन बनेगा, इस तरफ के डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, एक इस डायरेक्शन में बनेगा और एक जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा आरएनए प्राइमर। समझ में आ गई ये बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए लिखिए इसके बारे में, लिखिए आरएनए प्राइमेज इज एन एंजाइम which is responsible for RNA primase is an enzyme which is responsible for formation of RNA primer. RNA primase is an enzyme which is responsible for formation of RNA प्राइमर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमेज एक्ट ऑन थर्ड फ्री एंड ऑफ डीएनए।
थर्ड फ्री ऐसे लिखेंगे, थर्ड फ्री, ठीक है, ये थर्ड फ्री एंड ऑफ डीएनए टू मेक अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए, टू मेक अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए which has the polarity, which has the polarity 5 and 2 3 and, which has the polarity 5 and 2 3 and. Next point likhiye, in the DNA there is one strand has the polarity 3 orientation to 5 orientation. Isko aise likhte hain, as the polarity 3 orientation to 5 orientation. Iska matlab hota hai 3 orientation to 5 orientation. As the polarity 3 orientation to 5 orientation, it has free site of 3 primer. three orientation to three orientation. Does not have free side. Does not have free side at 3'. Hence, for the other strand. Hence, for the other strand of DNA. Hence, for the other strand of DNA, which has the polarity 5 orientation to 3 orientation, which has the polarity 5 orientation to 3 orientation, it forms RNA primer in reverse direction. It forms RNA primer in reverse direction. ये क्या करेगा? RNA primer बनाएगा, लेकिन यहाँ पर reverse direction में बना देगा. ठीक है जी? तो ये हो गया RNA primase का function. एक point आप और लिख लीजिए note करके RNA primase के लिए. RNA primase is a type of DNA dependent RNA polymerase enzyme. RNA primase is a type of DNA dependent RNA polymerase enzyme. RNA primer kya hai? Ye DNA dependent RNA polymerase enzyme. Clear ho gayi ye baat? यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? आरएनए प्राइमर क्या करता है? आरएनए प्राइमेस, और आरएनए प्राइमर बनाएगा, और प्राइमर किस डायरेक्शन में बनता है, उसकी अपनी ओरिएंटेशन क्या होती है, और दोनों स्ट्रैंड में वो किस तरह से बनता है, ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी. अब देखिए आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन तो होती है. अब आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसमें
डीएनए के स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम आगे बात करते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड किस तरह से बनते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एंजाइम काम करेगा वो होगा आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जहां पर आरएनए प्राइमर बाइंड है उसके साथ साथ क्या करेगा, ये उसके साथ ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट एंजाइम है हमारा इसके बाद वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये क्या करेगा, ये बनाएगा डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। और इसकी डीएनए स्ट्रैंड बनाने की जो ओरिएंटेशन है, इसकी अपनी ओरिएंटेशन वो होगी 5-3। तो यहां से क्योंकि यहाँ थर्ड ही है तो ये क्या करेगा, यहां से कंटिन्यूअसली डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हो गया आपका न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ये नया डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा। और इसके ऊपर ये एंजाइम जो काम कर रहा है, ये जो एंजाइम अटैच है, ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसी तरह से जो इसके अपोजिट स्ट्रैंड है यहाँ पर भी ये डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, लेकिन यहाँ डीएनए स्ट्रैंड फ्रेगमेंट में बनेगा, यहाँ से यहाँ तक तो बन जाएगा। और यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है वो कौन सा है, सेम इस पर जो एंजाइम काम करेगा वह है डीएनए पॉलीमरेज। तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, एक चलेगा, लेकिन देखो एक चलेगा आपका 3-5 वाले स्ट्रैंड पे, एक चलेगा 5-3 वाले स्ट्रैंड पे, और दोनों में रिवर्स चलेगा। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्ट्रैंड बनाने की अपनी ओरिएंटेशन है वो है 5-3 पर। तो ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज। देखिए इसके बारे में, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ओवर द मदर स्ट्रैंड इन द ओरिएंटेशन ऑफ 5-3 in the orientation of 5-3. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एक चीज और देखिए, जैसे जैसे नया डीएनए स्ट्रैंड बनता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो SSB प्रोटीन है वो यहाँ से अलग होते जाएंगे। भाई नया स्ट्रैंड बना, SSB प्रोटीन अलग हुए, तो नया स्ट्रैंड बनता जाएगा, SSB प्रोटीन अलग होते जाएंगे, और फाइनली जैसे जैसे SSB प्रोटीन अलग होते जाएंगे, जो नया स्ट्रैंड है वो पुराने वाले स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता जाएगा और वहां से कॉइल होता जाएगा।
अब देखो ध्यान से, ये जैसे बन गया नया स्ट्रैंड के सामने, तो इसकी कॉइलिंग होती जाएगी और ये प्रोटीन हटते जाएंगे, और यहां से ये एंजाइम ऐसे आगे बढ़ता जाएगा इस तरह, एलिकेस, टोपोआइसोमरेस, एसएसबी प्रोटीन, ये सब आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे डीएनए स्ट्रैंड से नया डीएनए बनता जाएगा। और जब नया डीएनए बनेगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो डीएनए कंटिन्यू बनता जाएगा ऊपर वाले में, यानी कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी ओरिएंटेशन 3-5 है, इस वाले पर तो कंटिन्यूस फॉर्म में डीएनए पॉलीमरेज काम करता। हाँ जी हेमलता बोलिए। सर ये फिर से बताना एक बार। ठीक है, देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तक क्लियर हो गया आपको, कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने काम करा और डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई, नया डीएनए स्ट्रैंड बनने लगा। अब फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जब नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा तो जैसे जैसे ये स्ट्रैंड बनता जाएगा, वैसे वैसे जहां जहां बन गया, जैसे इतने हिस्से पे बन गया, ठीक है इतने हिस्से पे बन गया ना, तो इतने हिस्से पे क्या होगा, ये एसएसबी प्रोटीन यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से हट गए, और जब ये यहाँ से हटेंगे तो वापस इस नए स्ट्रैंड और इस मदर वाले स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे, ये कॉइल हो जाएगा, ये कॉइल होता जा रहा है। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, ये अब आगे की तरफ मूव करेंगे, पहले इतना हिस्सा अनकॉइल हुआ था, अब ये कॉइल हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप देखोगे ये यहाँ से क्या हो गया, अनकॉइल हो गया, जो सारा काम यहाँ हुआ था अब वो यहाँ होगा। लेकिन ऊपर वाले स्ट्रैंड में, जैसे ये 3-5 स्ट्रैंड जा रहा है, यहाँ पर तो डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनता जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, जैसे ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस वाले स्ट्रैंड में क्या होगा, यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर था और यहाँ बन गया था स्ट्रैंड, एक आरएनए प्राइमर यहाँ जुड़ेगा और यहाँ पर बनेगा फ्रेगमेंट। तो नीचे वाले स्ट्रैंड में जिस डीएनए स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन 5-3 है, वहां पर तो डीएनए के टुकड़े बनेंगे, फ्रेगमेंट, कंटिन्यूस डीएनए नहीं बनेगा, और इन टुकड़ों को बोला जाएगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जबकि जो जिस डीएनए की ओरिएंटेशन 3-5 है, वहां पर टुकड़े नहीं बनते डीएनए के, वहां पर कंटिन्यूस फॉर्म में डीएनए बनता है और ये फास्ट बनता है एज कंपेयर टू 5 ओरिएंटेशन टू 3 ओरिएंटेशन वाले स्ट्रैंड के कंपैरिजन। ये वाला पॉइंट समझ में आया है नहीं आया आपको? क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखी जाए इसके बाद में, एज द न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, द एसएसबी प्रोटीन As the new strand synthesized, the SSB protein get detached and get detached from the mother's DNA strand. From the mother's DNA strand. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस ओवर द DNA strand which has polarity 3 prime to 5 prime while on the other strand which has polarity 5 prime to 3 prime
which has polarity 5 prime to 3 prime. New DNA are formed in the form of fragments. And such fragment is called Okazaki fragments. यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगी। इतना सारी को समझ में आ गया आपको? अब देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है। अब इसमें दो तीन एंजाइम के बारे में हमको और पढ़ना है। जैसे अभी यहाँ पर प्राइमर लगा हुआ है, तो ये प्राइमर यहाँ से अभी रिमूव होगा, इसको हटाया जाएगा, क्योंकि प्राइमर तो आरएनए का पार्ट है और डीएनए में आरएनए की जरूरत नहीं है, तो प्राइमर को यहाँ से हटाएंगे। अब देखो, जैसे जैसे प्राइमर हटेंगे तो नए डीएनए के बीच में गैप आ जाएगा। उस गैप को भरने के लिए यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाएंगे, और जोड़ने का काम किससे करते हैं? किसी ग्लू से करते हैं। तो उसके लिए एक एंजाइम काम करेगा जिसे बोलेंगे डीएनए लाइगेज, जो इन सेगमेंट को जोड़ देगा, और उसके बाद आपको फाइनली एक नया कंप्लीट डीएनए, एक से दो डीएनए आपके सामने आ जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि है आरएनए की फॉर्मेशन, कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक करके रखिए, कोई भी डाउट रहे तो उसको अपने क्लियर कर लीजिएगा। और इस टॉपिक को जो आज हमने आपको पढ़ाया है, इसको आज ही आपको सभी बच्चों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर जो आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से ये निकल जाएगा, और एक बार आपके दिमाग से स्किप हो गया, चला गया, तो फिर आपको दिक्कत आएगी बाकी के टॉपिक समझने में। तो इसलिए जरूर अच्छे से पढ़िएगा इसको। वीडियो लेक्चर भी मैं इसका अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।